क्यों बैठोगे आप डॉक्टर केस में? वो उसे लिखा है डॉक्टर का है। हाँ लिखा है, आप लिखे दिखाओ। क्यों दिखाएंगे आपको? क्यों दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? आप बोलो ना अपने एसपी को। आप एसपी केस पे बैठोगे? बात करो, मैं एसपी के चैंबर में जाऊंगी तो एसपी को क्या उठाऊंगी? जैसे तुम क्यों उठाओगे? तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम करके क्यों बात कर रहे हो? तुम लोग क्या मजाक समझ के रख लियो डॉक्टर? क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे सर? ये क्या तरीका है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आकर के तुम लोग नौटंकी बना के बैठो। डॉक्टर तो कुछ भी कर लेंगे। बुलाओ अपने एसपी को। चलो चलो, आप बुलाओ एसपी को। चलो चलो, मैं बात कर रहा हूँ। चलो चलो, आप चलो, आप तुम बैठो ना। चलो चलो चलो, बैठ जाओ। कोई भी आकर के डॉक्टर को बोलता है, कुछ भी बोलता है। डॉक्टर को मैंने कुछ नहीं कहा था। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था मैडम, जैसे कुर्सियां हैं देखिए वहाँ पे थी। नहीं इधर आइए, इधर आइए आकर के। मेरे को बोली है कि इसको मारना चाहिए दो झापड़ यहाँ पे। कैसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं, बाहर चलिए। मुझे बता दीजिएगा, आप पत्रकार हो तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा है। कैसे रखा आपने? कैसे रखा मैंने? हाँ तो मैंने ये रख रही। मैं मोबाइल को क्यों जबरदस्ती का मोबाइल बनाना? क्यों जबरदस्ती का स्वतंत्र हूँ मैं? स्वतंत्र तो करो, क्या करो? चल चल, तू बैठ मत, तू बहस मत। वो जबरदस्ती का एक डॉक्टर के मुझे बगल में चैम्बर था। मैं अपने मौसी जी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, उनका एक्सरे कराने के लिए कहा गया। मैंने एक्सरे करवाया, एक्सरे कराने के बाद रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने मौसी जी गई थी। मैं सामने डॉक्टर के, ऐसे ही डॉक्टर कुर्सी में बैठे हुए थे। सामने टेबल था, दो कुर्सियां आगे लगी हुई थी, तो उन दो कुर्सियों में मैं बैठी रहती थी। जैसे ही बैठने की मैं कोशिश की, वहां उपस्थित निर्मला टंडन नर्स वो मुझे टोक दी, बोले कि तू इधर नहीं बैठ सकती, उधर जा, उधर। जबकि और कोई दूसरी कुर्सी थी ही नहीं। तो क्या ऐसा तरीका, ऐसा व्यवस्था जिला अस्पताल में है जिससे कि मरीज वहां और मरीज के जो परिजन है उनको बैठने की जगह ना मिले? वो सिर्फ वहां पे डॉक्टर, जबकि वो डॉक्टर था ही नहीं। मरीज जाते हैं वहाँ पे अच्छे इलाज के लिए, अच्छा उनसे सहानुभूति के लिए कि हम ठीक हो सके, और डॉक्टर का ऐसा रवैया और वहाँ पे मौजूद स्टाफ का वैसा रवैया देख के जब मैं बैठने को हुई तो उनसे कहा, तो मैंने कहा कि उससे कुछ नहीं बोली, मैं खड़े हो गई। खड़े हुए जैसे मौसी जी का इलाज हुआ, मैंने उससे तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते तुम कौन होती है मेरा नाम पूछने वाली? तब मैं बोली, अगर तुम लोग ऐसे ही व्यवहार करोगे जो बाहर से आते हैं मरीज है उनके साथ, उनके परिजनों के साथ, तो तभी तुम्हारे हाँ जिला चिकित्सालय का घेराव होता है। अभी पूर्व में वितानिन संघ द्वारा तुम्हारा घेराव किया जा चुका है। तुम्हारे द्वारा ऐसे कई मामले आए हैं जिससे लोगों में आक्रोश की भावना है। आपके यहाँ डॉक्टर और नर्स की वजह से कई घटनाएं हो चुकी है। मैं एक मरीज मोहन वर्मा है, उसकी तो मौत ही हो चुकी है।